अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग अपनी इस वीडियो में बनाएंगे हेयर स्टाइल। फ्रंट से हम लोग हाई बैक कॉमिंग करेंगे और बैक से हम लोग हाई टेल के साथ अपना हेयर स्टाइल बनाएंगे। तो हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने अपने बालों के सेक्शन सेपरेट कर लेने हैं। क्राउन एरिया का सेक्शन हम लोगों ने सेपरेट कर लेना है। इस तरीके से दोनों साइडों से क्राउन एरिया, ईयर टू ईयर वाला एरिया हमारा क्राउन एरिया होता है, ये वाला हम लोगों ने एरिया सेपरेट कर लिया है। और उससे बिल्कुल ही पीछे हमारा बैक कॉमिंग का एरिया होता है, उसे पीछे वाले बालों में से हम लोगों ने इस तरीके से सेक्शन लेना है और इस पर हम लोगों ने बैक कॉमिंग करनी है। बहुत हार्ड बैक कॉमिंग नहीं करनी और ना ही बहुत लूज़ बैक कॉमिंग करनी है, स्प्रे के बगैर करनी है, डायरेक्ट बैक कॉमिंग करनी है। हम लोगों ने सारे बाल को उठाना है और हम लोगों ने फ्रंट से कोई फ्लिक नहीं छोड़नी और हमें थोड़ी हाई बैक कॉमिंग चाहिए। उसके लिए हमें थोड़ी सी टाइट बैक कॉमिंग करनी पड़ेगी। ये देखिए, हम लोगों ने इस तरीके से नेक सेक्शन लिया है और हम लोगों ने इसको भी इसी तरीके से बैक कॉमिंग करेंगे। हम लोगों ने अपने बालों पे बैक कॉमिंग कर लिया। अब हम लोग ये मूली पैड लेंगे या बैक कॉमिंग एक्सटेंशन भी इसको बोलते हैं, आपको मार्केट से इजीली मिल जाएगी। इसको हम लोग अपने बालों में रखेंगे और इसको अपने बालों से कवर कर देंगे। इससे हमारे बालों की हाइट बहुत अच्छी आती है और एक बहुत अच्छी लुक आती है, बिल्कुल भी आर्टिफिशियल नहीं लगता इसके साथ। इस तरीके हम लोगों ने इसको बालों में रख के और बालों के साथ कवर करके इसको अच्छे से पिनअप कर देना है। कि आप देख सकते हैं कि साथ ही हमारी शेप और हाइट कितनी अच्छी आने लगी है। अब हम लोग इसको सारे बालों को नीट कर लेंगे, नीट करके पिनअप कर देंगे। अब हम लोगों ने पीछे वाले बालों को इस तरीके से सेक्शन एक बारीक सा लेकर उसको इस तरह सेंटर में पिनअप कर देना है। इससे हमारे बालों की शेप बहुत खूबसूरत आती है, इस वजह से हम लोगों ने ये किया। बाकी बालों को अब हम लोग इस तरीके से पकड़ के अच्छे तरीके से कॉम करके हम लोग बैंड के साथ इसको बाइंड कर देंगे, हाई टेल पोनी कर देंगे। ये देखें, इस तरीके से हम लोगों ने इसको कर देना है। ये देखें कितनी खूबसूरत और नीट लुक आ रही है। अब हम लोग इसमें से एक छोटा सा सेक्शन सेपरेट करेंगे और जो हमारी रबड़ बैंड है उसको हम लोग कवर कर देंगे अपने बालों के सेक्शन के साथ, ताकि हमारी रबड़ बैंड नज़र ना आए और पता ना चले कि हम लोगों ने रबड़ बैंड लगाई हुई है। इससे बहुत खूबसूरत लुक आती है। रबड़ बैंड जब नज़र आती है तो वो अच्छा नहीं लगता, वैसे कोई बुरी चीज़ नहीं है लेकिन वो अच्छा नहीं लगता। ये आप लोग कंप्लीट हेयर स्टाइल देख सकते हैं, फ्रंट से बैक कॉमिंग और जो साइड्स वाले जो फ्लिक हम लोगों ने पिनअप की थी वो कितनी प्यारी है, ब्लू कारी, और बैक साइड से हम लोगों ने हाई टेल कर ली है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, नहीं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज़।